शुरुआत तुमने नहीं की, सीनत ने की। इस लड़ाई को खत्म ही वही करे। अगर तुम इस लड़ाई को छोड़ भी दोगे तो क्या जिंदगी भर अपने दामन पर लगे उस बेवफाई के दाग के साथ जी सकती हो जिसे जीनत ने तुम्हारे दामन पर लगाया, जिसकी वजह से उसने सबके सामने साबित किया था कि खुशी नाजायज। जीनत को उसके गुनाहों का एहसास कराना बहुत जरूरी है। जीनत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ ये देखने आई थी कि आपका वक्त कैसा कट रहा है। वैसे क्या सोच रही थी आप, अपने बीते हुए कल के गुनाहों के बारे में या अपने आने वाले कल की मुश्किलों के बारे में? वैसे दोनों के बारे में ही सोच के कोई फायदा नहीं है। क्यों आई हो यहाँ? हमदर्दी जताने नहीं आई हूँ मैं यहाँ, क्योंकि हमदर्दी के काबिल तो आप हैं ही नहीं, और ना ही आपके जले पर नमक छिड़कने आई हूँ। क्योंकि अगर मैंने नमक छिड़क दिया तो आपसे वो जलन बर्दाश्त नहीं होगी। पता नहीं क्या होगा आपका। वेल, यहाँ तो मैं आपको आपकी परेशानियों को खत्म करने का रास्ता बताने आई हूँ। कहना क्या चाहती हो तुम? बस इतना कि अब भी वक्त है। अगर आप अपने और अपने परिवार की खुशियों को बचाना चाहती हैं तो बचा लीजिए। सिर्फ एक ही रास्ता है आपके पास, जिस पर चलकर आप अपने परिवार की खुशियां बचा सकती हैं। किस रास्ते की बात कर रही हो तुम? सच्चाई का रास्ता, ईमानदारी का रास्ता। और अगर आप अपना रास्ता बदल लें तो आपको अपनी खोई हुई खुशियां फिर से मिल सकती हैं। और इसके लिए मुझे क्या करना होगा? आपको सबके सामने ये सच्चाई बतानी होगी कि आप ही ने आमिर और खुशी के DNA टेस्ट की रिपोर्ट बदली थी, और खुशी आमिर की ही बेटी है। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? सोच लीजिए, अभी भी वक्त है आपके पास। कहीं ऐसा ना हो वक्त के साथ साथ आमिर और आपके रिश्ते की दरारें गहरी होती जाएं और उन्हें मिटाना भी मुश्किल हो जाए, फिर आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगी सारा। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। आप सोच लीजिए, मैं और आपकी खुशियाँ दोनों ही आपके फैसले का इंतजार करेंगी। शायद तुम ठीक कह रही हो जारा, मुझे झूठ का दामन छोड़कर सच का हाथ पकड़ लेना चाहिए। लगता है अब यही एक रास्ता बचा है आमिर को अपने पास वापस लाने के लिए। तेरी की भाऊ, ये तो सारा ही मजाक किरकिरा हो गया। जौहरत है ना, बहुत बड़ी भारी चीज है। इसके सामने अच्छे अच्छे एटम बम फूस हो जाते हैं, तो ये चीज क्या है भाऊ? मतलब मैं समझा, मैं मतलब ये कि एक की बीवी उसे छोड़कर दूसरे से शादी बनाई है, लेकिन वो बेचारा कुछ बोल नहीं सकता, और दूसरा इसलिए चुप बैठा है कि उसकी बीवी उसके हाथ में नहीं है। वो रहती है इसके साथ, लेकिन फेवर कर रही है अपने पहले पति को। तो कुल मिला के मतलब ये है कि एक ही औरत ने दोनों के नाक में नकेल डाल रखी है, कुछ समझा? लेकिन मेरी समझ में अच्छी तरह से आ गया। क्या? अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। कुछ बात समझ में आई? क्या बोल रहा था तू? बता, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। आपकी तरह अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी। कोई भी ऐसा चेहरा मेरी बीवी के बारे में बोलता रहा और मैं खामोशी से देखता हूँ। छोड़ो ऐसा गहरा नहीं हूँ मैं, यूनियन लीडर। यूनियन लीडर पाटेकर पे हाथ उठाया तूने? देख, मैं तेरी औकात दिखाता हूँ। क्या है? मैं कोई कोरी धमकी नहीं देता हूँ, समझा? ये जो कुछ भी हुआ है ठीक नहीं हुआ है पाटेकर। आज के बाद किसी ने भी मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश की तो उसका यही अंजाम होगा। दिस इज माई वार्निंग।
आज मैं बहुत खुश हूँ पापा, मुझे पूरी उम्मीद है अगर वक्त ने चाहा तो जीनत और मेरी लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी। पापा आज मैंने पहली बार जीनत की आंखों में हार का एहसास देखा है। आमिर से दूर हो जाने के एहसास ने तो जैसे उसे तोड़ कर रख दिया है पापा। पापा अब उसे भी यही लगता है कि हमें ये लड़ाई खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन मुझे हैरानी हो रही है सारा कि जीनत ने इतनी जल्दी कैसे घुटने टेक दिए। लेकिन फिर भी तुम्हें उसकी तरफ से होशियार रहना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि इस सब के चलते तुम उसकी तरफ से लापरवाह हो जाओ और वो मौके का फायदा उठा के फिर से कोई चाल चले। पापा लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इतना कुछ हो जाने के बाद जीनत अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी। मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। लीजिए आमिर, पानी पी लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। आमिर क्या हुआ बेटा तुम? कुछ नहीं अबू, बस जरा चक्कर आ गया था। चक्कर? हमें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए आमिर। नहीं अबू, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शायद थकान की वजह से कुछ। अबू सही कह रहे हैं आमिर, मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। लेकिन आमिर डॉक्टर को एक बार दिखाने में हर्ज ही क्या है? एक बार कहा ना कि मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। मेरी बात कभी नहीं मानती हो तुम, जब देखो अपनी मनमानी करती रहती हो। आमिर मैं तो बस क्या, मैं तो मेरी बात को गौर से सुना करो और उस पर अमल किया करो, समझी? क्या बात, बहुत जल्दी फुर्सत मिल गई आमिर के आंसू पहुंचने से। समर, आज तक तुम आमिर को भुला नहीं पाई हो सारा, आज भी तुम्हारे दिल में मुझसे कहीं ज्यादा आमिर के लिए जगह है। समर ये तुम? आज भी तुम्हारा दिल उसके दर्द में तड़पता है, उसकी तकलीफ से तुम्हें तकलीफ होती है, उसकी परेशानी की वजह से तुम्हें गुस्सा आता है। और इससे ये बात साबित हो जाती है कि आज भी तुम्हारे दिल में सिर्फ आमिर और आमिर है। बातें तो और भी बहुत है और उन बातों से बिना सर पैर के नतीजे मैं भी निकाल सकती हूँ जैसे तुम निकाल रहे हो। मैं भी तुमसे ये सवाल कर सकती हूँ कि तुम पुणे क्या करने गए थे, क्या कर रहे थे तुम उस फार्म हाउस में अकेले जीनत के साथ? लेकिन मैंने तो तुमसे कोई सवाल नहीं किया समर, वो इसलिए क्योंकि रिश्ते सवालों पर नहीं बल्कि भरोसे की बुनियाद पर चलते हैं और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है समर। बंद करो अपनी ये बड़ी बड़ी बातें और प्यार का ये छूटा दिखलावा। भरोसा तुम मेरा करती हो और साथ किसी और का देती हो, प्यार तुम्हें मुझसे है लेकिन तड़प तड़प किसी और के लिए। जब तुम मेरे बारे में इतना कुछ जान ही गए हो समर, तो फिर एक बात और भी बता दो कि अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो मैंने तुमसे शादी क्यों की? क्यों तुम्हारा हाथ थाम कर इस घर में आई जिस घर से मुझे बेइज्जत करके निकाला गया था? क्यों मैंने तुम्हें कंपनी का चेयरमैन बनाया? बोलो समर, क्या जवाब है तुम्हारा इस सब का? तुम्हारे मतलब के लिए जरा, तुम्हारी उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए, जीनत से अपना हिसाब चुकाने के लिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया, मेरे प्यार का इस्तेमाल किया। समर, ये सब जीनत ने मुझे बताया था लेकिन मुझे उसकी बातों पर भरोसा नहीं था क्योंकि यकीन था तुम पर।
लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं सोचने लगा कि कहीं ये सब सच तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ही तुम्हें समझने में भूल की। भूल तो तुम अब कर रहे हो समय, मुझे गलत समझने की, मुझ पर शक करने की भूल, वही भूल जो एक दिन आमिर ने की थी और वो मुझे खो बैठे थे। कहीं ऐसा ना हो समय कि तुम भी मुझे खो बैठो। क्या हुआ समय, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो समय? कहीं मैं तुम्हें खो ना बैठूं? अरे मैंने तुम्हें पाया ही कहां है सारा, जो मुझे खोने का डर हो। मैंने तुमसे निकाह तो किया लेकिन मैं कभी तुम्हारा शौहर नहीं बन पाया। मैं तुम्हारे साथ रहा लेकिन मैं तुम्हारे इतना करीब नहीं पाया जो मुझे तुम्हें पाने का एहसास मिले। लेकिन अब मैं एहसास करना चाहता हूँ सारा, तुम्हें पाना चाहता हूँ, तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। बोलो सारा, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम ये हक मुझे दोगी जो बीवी अपने शौहर को देती है? बोलो सारा। लेकिन समर, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। डोंट वरी सारा, मैं दूंगा वक्त तुम्हें, आई गिव यू टाइम। लेकिन मियाद भी मैं तय करूंगा, मैं तुम्हें 48 घंटे देता हूँ, 48 आवर्स, और इन घंटों के बाद तुम्हें पूरी तरह से मेरी होना होगा, तन और मन दोनों से। सिर्फ एक रास्ता बच चुका है तुम्हें ये साबित करने के लिए कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम्हारे दिल में और कोई नहीं। अगर तुम ये बात साबित करती हो तो हमारे रिश्ते पर कोई आंच नहीं आएगी सारा, और अगर नहीं तो मैं फैसला करूंगा कि इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा। 48 घंटे है तुम्हारे पास, 48 आवर्स, सोच लेना। अगर वक्त ने साथ दिया तो इन आने वाले 48 घंटों में मेरा मकसद पूरा हो जाएगा समय। जीनत को अपने गुनाहों का एहसास तो हो ही चुका है, बस अब उसके गुनाह कबूल करने बाकी है। उसके बाद तुम नहीं बल्कि मैं ये तय करूंगी कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा, क्योंकि जीनत के गुनाहों की किताब में एक पन्ने पर तुम्हारा भी नाम लिखा हुआ है। प्लीज पापा, मुझे प्लीज छोड़ो पापा, प्लीज प्लीज पापा, मुझे यही रहना, प्लीज पापा मुझे छोड़ो, प्लीज पापा, प्लीज प्लीज पापा। देखिए ना छोटी माँ, मम्मा मुझे यहाँ से लेकर जा रही है, मुझे यहाँ ही रहना है, मुझे खुशी के साथ ही रहना है। ये सब क्या है जीना? ये सामान लेकर कहाँ जा रही हो तुम? जवाब दो जीना, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कहाँ जा रही हो तुम? मैं कहीं भी जाऊँ अब्बू, लेकिन इस घर को छोड़ने की तैयारी मैंने कर ली है। घर छोड़ कर जाने की तैयारी? जीनत ये क्या कह रही हो तुम? इसलिए कह रही हूँ दादी, क्योंकि मैं जानती हूँ जो गुनाह मैंने किया है वो जानने के बाद आप सब मुझे यही सजा देंगे, इसलिए मैंने तैयारी कर ली है दादी, मुझे ये सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। तुम क्या कहना चाहती हो, जरा साफ साफ कहो। मैं आप सबके सामने अपना गुनाह कबूल करना चाहती हूँ, वो भी आज अभी और इसी वक्त। आप सबके बीच वो शख्स मौजूद है जिसके साथ मैंने बहुत ज्यादती की है, बहुत तकलीफ पहुंचाई है उसे, बहुत दुख दिया है, लेकिन इस सब के बाद भी उस शख्स ने मेरा हमेशा भला ही चाहा है। इसलिए आज आप सबके सामने मैं अपना गुनाह कबूल करना चाहती हूँ, माफी मांगना चाहती हूँ उससे, क्योंकि उसी ने मुझे सच्चाई का रास्ता दिखाया है। वो शख्स कौन है, किसकी बात कर रही हो तुम? वो है आमिर। गुनहगार हूं मैं आमिर, मैंने आमिर से झूठ बोला, मैंने आप सबसे झूठ बोला, यहां तक कि मैंने जारा से भी झूठ बोला कि मैं अमन के नाम पे एक ट्रस्ट खुलवाना चाहती हूँ, जबकि सच्चाई ये थी कि
ट्रस्ट के नाम पे जो मैंने पैसे लिए थे वो मैंने अपनी एक दोस्त की ट्रीटमेंट में लगा दिए, जो बेचारी बिस्तर पे लेटे लेटे जिंदगी और मौत के बीच की घड़ियां गिन रही थी। और मैं जानती थी कि अगर मैं सच कहूंगी तो ज़ारा मुझे पैसे नहीं देगी, इसलिए मैंने अमन के नाम के ट्रस्ट की बात छेड़ी और ज़ारा से 1 करोड़ रुपया ले लिया। मुझे ये झूठ बोलना पड़ा और उस दिन जब ज़ारा ने सबके सामने मुझसे ट्रस्ट के बारे में पूछा तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं आप सबसे क्या कहूँ। तब मेरी बात पे यकीन कौन करता, और मेरी वो दोस्त जिसकी ट्रीटमेंट के लिए मैंने सारे पैसे दे दिए थे उसकी भी डेथ हो गई। फिर अम्मी ने मेरी मदद की, अपना पूना वाला फार्म हाउस बेच के अम्मी ने मुझे पैसे दिए। सबसे बड़ी गलती मुझसे ये हो गई कि मैं आमिर को सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, इसलिए मुझे पूना समर के साथ जाना पड़ा। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोला और बस झूठ बोलती चली गई। लेकिन झूठ कब तक छुपता, आखिर मेरा झूठ आमिर के सामने आ ही गया। मैं अब सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए आमिर, आप मुझे चाहे जो सजा दीजिए मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन खुद को इस तरह सजा मत दीजिए आमिर, क्योंकि गलती मैंने की है आपने नहीं। प्लीज आमिर मुझे खुद से दूर मत कीजिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती आमिर, एक पल के लिए भी नहीं, मुझे माफ कर दीजिए आमिर प्लीज, मुझे खुद से दूर मत कीजिए आमिर प्लीज। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है जीनत, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी के भी कोई मायने नहीं। मैं इस हादसे को भुला चुका हूं, तुम भी भुला दो तो बेहतर होगा। ऐसे क्या देख रही हो, तुम्हारे लिए लाई हूँ, लो ना। ये फूल देना भी तो मैंने तुम्ही से सीखा है ज़ारा, जब कोई अच्छा काम करता है तो फूल देके थैंक्स किया जाता है ना? अब तुम सोच रही होगी कि ये थैंक्स क्यों? थैंक्स इसलिए ज़ारा, क्योंकि तुम्हारी सीख मानकर ही तो मैंने आमिर को एक बार फिर से पाया है। तुम्ही ने तो मुझे सच का रास्ता दिखाया है। ठीक कहा था तुमने कि सच ही वो हथियार है जिसके सहारे मैं अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलें दूर कर सकती हूँ। You're right. तुम्हारी बात मानकर मैंने अपनी घुटन भरी जिंदगी से छुटकारा पाया है। ठीक कहा था तुमने कि सच में बड़ी ताकत होती है, बशर्ते आपको ये पता हो कि सच कब, कहाँ, कैसे और कितना बोलना हो। वो कहते हैं ना, मैनिपुलेटिंग द ट्रूथ। वंस अगेन थैंक्स सारा। ज़ारा,
जारा, मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि सिर्फ 36 घंटे बचे हैं। वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, इसलिए अपना फैसला तैयार रखना। अरे वाह, व्हाट अ प्रीटी फ्लावर। ये फूल किसके लिए? मेरे लिए या किसी और के लिए? वेल, फिलहाल तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। मुझे तो इंतजार है इन 36 घंटों के गुजरने का। सिर्फ 36 घंटे बचे हैं, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है।